नमस्ते बच्चों, जैसा कि पिछली क्लास में हमने पंडित सत्यनारायण कविरत्न की जो भ्रमर दूत की जो व्याख्या है वो पढ़ रहे थे और पिछली क्लास में चर्चा हुई थी कि जो आकाश में इंद्रधनुष और इंद्र बजूटिन की जो शोभा है वो इस संसार में कौन सा ऐसा प्राणी जन्मा है जिसको वो शोभा है मान न कर रही हो, उसको लोलुप ना कर रही हो उसको, ठीक है। तो इस तरह की चर्चा पिछली क्लास में हुई थी और चलिए देखिए आगे हम उसे की व्याख्या देखते हैं कि कहूं बालिका पुंज कुंज लख परियत पावन सुख सरसावन सरल सुहावन ही सरसावन कोकिल कंठ लजावनी मन भावनी अपार भात्र प्रेम सरसावनी रागत मंजु मल्हार हिंडोलन झूलती। देखिए सबसे पहले व्याख्या करते समय क्या लिखते हैं हम लोग, संकेत। और उस संकेत में क्या लिखना होता है कि जिस पद की आप जिस काव्यखंड की व्याख्या कर रहे हैं उसका प्रथम शब्द और डॉट डॉट करके अंतिम शब्द लिखना होता है ताकि ये पता चल सके कि आप किस पद की किन पंक्तियों की इस काव्यखंड की व्याख्या कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले संकेत। संकेत में क्या लिखेंगे कि कहूं बालिका, ठीक है। फिर डॉट डॉट करके क्या लिखेंगे, हिंडोलन झूलती, ठीक है। ये आपका संकेत हो गया। इसके पश्चात में आता है आपका संदर्भ एवं प्रसंग। तो देखिए संदर्भ और प्रसंग में क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्यखंड या प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्यपुस्तक ब्रजभाषा काव्य के जो पंडित सत्यनारायण कविरत्न द्वारा रचित भ्रमरदूत से अवतरित की गई हैं और इन पंक्तियों में जो श्रावण महीने में लड़कियां या जो बालिकाएं हैं वो झूले पर बैठ करके झूला झूल रही हैं, तो इस सुंदरता का वर्णन इन पंक्तियों के माध्यम से किया गया है, ठीक। इसके पश्चात में फिर आती है आपकी क्या व्याख्या और व्याख्या के पश्चात में विशेष, ठीक है। देखिए तो इसके जो कठिन शब्द हैं उनको भी थोड़ा देख लीजिए कि पावन का अर्थ क्या है, यहां पर पवित्र, और कोकिल का अर्थ है कोयल, ठीक, और मंजू का अर्थ है सुंदर, और रागत का अर्थ है लीन रहना, ठीक, और हिंडोलन हिंडोलन का अर्थ है झूले में, और झूलती मतलब झूलना। ये आपके कठिन शब्दों के अर्थ हो गए। चलिए देखिए व्याख्या कि कहूं बालिका पुंज कुंज लख परियत पावन सुख सरसावन सरल सुहावन ही सरसावन कोकिल कंठ लजावनी मन भावनी अपार मात्र प्रेम सरसावनी रागत मंजु मल्हार हिंडोलन झूलती। देखिए कवि कहता है कि सावन मास क्या होता है, सुख देने वाला माना जाता है, क्योंकि आसमान में चारों तरफ बादल छाए होते हैं, बीच बीच में वर्षा भी होती रहती है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। उस समय जो पशु पक्षी भी होते हैं वो भी बहुत मदमस्त दिखाई देते हैं, और जो नागपंचमी जो त्योहार होता है उसके समय
तो बहुत ही सावन मास की सुंदरता दिखाई देती है। तो कहूं बालिका पुंज कुंज लख परियत पावन, कि कवि कहता है कि सावन मास की जो सुख देने वाला माना जाता है, जो नाग पंचमी का समय होता है सावन मास में, वो बहुत ही सुख प्रदान करने वाला होता है। सुख सर सावन सरल सुहावन ही है सर सावन, सरल शोभायमान हृदय को हर्षित करता है। जो ये सावन मास की जो छटा है वो सरल शोभायमान के हृदय को हर्षित करता है। कोकिल कंठ लजावनी मन भावनी अपार, कोयल की जो मधुर मधुर मीठी ध्वनि है वो मीठी लगने के साथ साथ, सुंदर लगने के साथ साथ लजावनी भी लगती है। क्या ध्वनि? जो कोयल की जो मधुर मीठी मीठी ध्वनि है वो मीठी लगने के साथ में लजावनी भी लगती है, अर्थात मन को अत्यधिक प्रसन्न लगती है, मन को अधिक शोभा प्रदान करती है, अच्छी लगती है। कोकिल कंठ लजावनी मन भावनी अपार, और भात्र प्रेम सर सामनी रागत मंजु मल्हार हिंडोलन झूलती। और भाई का जो स्नेह है वो सरसाने वाला होता है, जो भाई का स्नेह होता है, भाई का जो प्रेम होता है वो सरसाने वाला होता है। और हिंडोलन झूलती, जो बालिकाएं हैं वो झूले में बैठ करके सुंदर गीत गा रही हैं। बालिकाएं हैं वो इस श्रावण मास की सुंदर छटा में झूले में झूला झूल रही हैं और सुंदर सुंदर गीत गा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपकी व्याख्या हो गई। इसके पश्चात में फिर आपका आता है क्या, विशेष। तो विशेष में इसमें देखिए, सबसे पहले नंबर एक आती है क्या कि भाषा ब्रज है, और नंबर दो आता है अनुप्रास अलंकार का, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। ठीक है, ये आपका विशेष हो गया। चलिए अगला देखिए, आगे पंक्तियां देखिए कि बाल ब्रंद हर्षत उर दर्शत चहु चखि आवे, मधुर मधुर मुस्काय रहत बतियां बतरावे, तरवर डाल हलावही धौरी धूमरी टेरी, सुंदर राग अलापही झौरा चकही फेर विविध क्रीड़ा करे। देखिए क्या कि बाल ब्रंद हर्षत उर दर्शत चहु चखि आवे, और मधुर मधुर मुस्काय रहस बतियां बतरावे, तरुअर डाल हलावही धौर धूमरी टेरी, सुंदर राग अलापही झोरा चकई फेर विविध क्रीड़ा कर। देखिए कितना सुंदर वर्णन है। तो सबसे पहले देखिए आप संकेत में क्या लिखते हैं, संकेत में लिखेंगे क्या कि बाल ब्रंद हर्षत, बाल ब्रंद हर्षत, और फिर डॉट डॉट करके क्या लिखेंगे कि विविध क्रीड़ा करें, विविध क्रीड़ा करें। ये आपका क्या हो गया संकेत। और फिर इसके पश्चात में आता है संदर्भ और प्रसंग। तो देखिए संदर्भ और प्रसंग में क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियां या प्रस्तुत पद या प्रस्तुत काव्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक ब्रजभाषा काव्य के, जो आधुनिक युग की ब्रजभाषा के प्रमुख कवि हैं पंडित सत्यनारायण कविरत्न, उनके द्वारा रचित काव्य भ्रमर दूत से अवतरित किया गया है। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा संदर्भ। और इसके पश्चात में प्रसंग में क्या लिखेंगे कि जो उपर्युक्त पंक्तियों में या इन पंक्तियों में जो बाल ब्रंद हैं उनका चित्रण किया गया है कि इस सावन मास में बाल ब्रंद कितने शोभायमान, कितना सुख और कितना खुशी का अनुभव कर रहे हैं, इसका वर्णन इन पंक्तियों के माध्यम से किया गया है। ठीक है, तो चलिए देखिए। और इसमें व्याख्या से पहले कुछ जो इसके कठिन शब्द हैं वो भी देख लीजिए कि हर्षत माने प्रसन्न होना,
ठीक है, और बतियां, बतियां का अर्थ क्या है, बातें, रहस्य का अर्थ क्या है, रहस्यमयी, ठीक है, और धूमर का अर्थ क्या है, घूमकर, ठीक, और धौरी, धौर का अर्थ क्या है, थपले, और विविध क्रीड़ा, विविध क्रीड़ा का अर्थ है अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं, अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं, ठीक। तो ये आपका कठिन जो शब्द थे उनके शब्द अर्थ हो गए। अब चलिए देखिए व्याख्या में कि बाल वृंद हर्षत उर दर्शत चहु चखि आवे, मधुर मधुर मुस्काए रहस बतियां बतरावे। कि कवि कहता है कि यहां पर बच्चों का जो समूह है, बाल जो वृंद है, बच्चों का जो समूह है, वो हृदय हर्षित हृदय का दर्शन देते हुए चारों ओर दिखाई पड़ रहा है। बाल वृंद हर्षत उर दर्शत चहु चखि आवे, हर्षत मतलब हर्षित कर रहा है, उल मतलब हृदय को, और दर्शन मतलब दिखाई दे रहा है, चौं चक मतलब चारों ओर दिखाई दे रहा है। कवि कहता है कि जो बच्चों का जो समूह है वो हर्षित हृदय का दर्शन देते हुए चारों ओर दिखाई पड़ रहा है। मधुर मधुर मुस्काए रहस्य बतियां बतरा, और साथ ही मधुर मधुर मीठी मीठी मुस्कुराहट से रहस्य की बातें भी कर रहे हैं, मीठी मीठी मुस्कुराहट के साथ में मधुर मधुर मुस्काए रहस्य बतियां बतरा में, साथ ही मीठी मीठी मुस्कुराहट से रहस्य की बातें भी कर रहा है। ये कौन, ये जो बाल वृंद है, बालों का, बालकों, बालकों का जो समूह है। तरुअर डाल हला वहीं धौर धूमरी टे, वृक्षों की डालें जो है थपरे थपले मालकर हिल रही हैं, मतलब झोंके ले रही हैं, हैं, जो वृक्षों की डालें हैं वो झोंके ले रही हैं, झोंके मार करके चारों तरफ हिल रही हैं। सुंदर राग अलाप ही झोरा चकई फेर विविध क्रीड़ा करें, और साथ ही घूम घूम कर सुंदर गाना गाने के साथ नाना प्रकार की क्रीड़ाएं भी हो रही हैं, ठीक है, क्या है कि साथ ही घूम घूम करके सुंदर राग अलाप ही झोरा चकई फेर विविध क्रीड़ा करें, साथ ही घूम घूम करके सुंदर गाना गाने के साथ ही नाना प्रकार की अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं भी हो रही है। चलिए देखिए दोबारा इसको देखिए कि बाल वृंद हर्षत उर दर्शत चहु चखि आवे, मधुर मधुर मुस्काए रहस्य बतियां बतरावे। तरुअर डाल हलामही धौरी धूमरी टेरी, सुंदर राग अलापही झोरा चकई फेर विविध क्रीड़ा करें। देखिए कि कवि कहता है कि जो बाल वृंदों का जो समूह है, बच्चों का जो समूह है, वो हर्षित हृदय का दर्शन देते हुए चारों ओर दिखाई दे रहा है, मतलब जो बाल वृंदों का जो समूह है वो मन को हर्षित कर रहा है बहुत ही, और ये हर्षित करते हुए हृदय को दर्शन हृदय का कराते हुए चारों ओर दिखाई दे रहा है, और साथ ही मधुर मधुर मुस्काए रहस्य बतियां बतरा है, और साथ ही मधुर मधुर मतलब मीठी मीठी मुस्कुराहट से, मुस्कुराहट के साथ ही रहस्यमयी बातें भी ये लोग आपस में कर रहे हैं। तरुअर डाल हला वही धौरी ढूमरी टे, और वृक्षों की जो डाले हैं वो थपले माल करके हिल रहे हैं, वृक्षों की जो डाले हैं वो थपले मार करके हिल रही हैं, मतलब जबरदस्त इधर उधर चारों तरफ झोंके ले रही हैं, और साथ ही सुंदर राग अलापही झोरा चकई फेर विविध क्रीड़ा करें, और साथ ही साथ घूम घूम करके सुंदर गाना गाने के साथ ही वो नाना प्रकार की अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं भी कर रहे हैं, ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो ये आपकी व्याख्या हो गई।
इसके पश्चात में आता है आपका क्या, विशेष। तो देखिए विशेष में नंबर एक भाषा ब्रज है और नंबर तीन, नंबर दो अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है और भाषा सरल एवं प्रवाहमयी है। ठीक है, तो ये आपका हो गया विशेष। तो बस आज की क्लास यहीं से समाप्त होती है। अगली क्लास में फिर हम इसी के आगे अनवरत आगे की जो पंडित सत्यनारायण कवरत्न की जो भ्रमर दूत की जो व्याख्याएं हैं अनवरत हम इसी के आगे पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।